नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज लांबा द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बात करते हैं अपन मार्च महीने के टॉप 60 क्वेश्चन की। पार्ट ए अपन डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट बी की अपन चर्चा करने वाले हैं। टॉप 30 क्वेश्चन यहां से आपके सामने फिर हाजिर हैं, तो आइए नजर डालते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन जो है बजट के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा, बजट 2018-19 में भारत की विकास दर आगामी वर्ष के लिए अनुमानित की गई है। ऑप्शन ए है 7.2%, ऑप्शन बी है 7.3%, ऑप्शन सी है 7.4%, ऑप्शन डी है 7.5%। देखिए इसका पहले तो अपन राइट आंसर की बात करते हैं, तो सी इज द राइट आंसर, 7.4% यहां पर जीडीपी की बात की गई है। अब देखिए यहां से बजट से संबंधित कई क्वेश्चन यहां से निकल सकते हैं। देखिए पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि बजट जो है भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से है और इससे संबंधित अनुच्छेद जो है वो 112 है, यानी संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट नाम से बजट नहीं है, बजट किस नाम से है, वार्षिक वित्तीय विवरण। और देखा जाए तो इस शब्द से बजट की परिभाषा भी निकल के सामने आ रही है कि एक वर्ष का वित्तीय विवरण ही क्या कहलाता है, बजट। हमेशा दोस्तों याद रखिएगा, बजट जब भी पारित किया जाता है या घोषित किया जाता है वह अगले साल का होता है, ठीक है। जैसे कि अभी देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है बजट 2018-19, बजट 2018-19 क्या 19 जब मार्च की अपन बात कर रहे थे तो उस समय यानी मार्च 2018 चल रहा था, तो क्या उस समय 2019 आ गई थी, बिल्कुल नहीं आई, ठीक है। तो कहने का मतलब बजट हमेशा अनुमानित आगामी वर्ष के लिए होता है। जैसे बजट भारत में 1 फरवरी को पेश होता है और बजट जो पेश करता है वो भारत का वित्त मंत्री करता है। और आपको ये भी दोस्तों याद होना चाहिए कि वित्त मंत्री अभी एट प्रेजेंट कौन है, अरुण जेटली। तो भारत के वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है, अरुण जेटली, जो कि संसद में बजट पेश करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर ये बात पूछे कि बजट पेश करवाता कौन है, तो राष्ट्रपति बजट पेश करवाता है और करता कौन है, वित्त मंत्री, ठीक है। तो देखिए संसद में बजट पेश होता है, अरुण जेटली वर्तमान में आपके वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण के तहत बजट यहां पे शाब्दिक है और 2018-19 यानी आगामी साल का हिसाब किताब होता है बजट, ठीक है। अब देखिए दो बातें और यहां से मैं लेता हूं, बजट से जस्ट एक दिन पहले आती है आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा पिछले बजट का हिसाब किताब होती है। देखिए आपको घर से पैसे मिलते हैं खर्च करने के लिए, तो अगले पेमेंट देने से पहले आपको पिछले पेमेंट का हिसाब किताब पापा को या मम्मी को देना होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार पिछले बजट का हिसाब किताब दिया जाता है कि भाई पिछले बार बजट में इतने पैसे आवंटित हुए थे, उसमें से कहां कहां क्या क्या खर्च हुए, क्या बचे हैं, ये सारा हिसाब किताब होता है। तो आर्थिक समीक्षा 2017-18, जैसे सपोज करो मैंने क्या बोला कि बजट पेश होता है 1 फरवरी को, अब फरवरी का जो अंतिम दिन होगा उस दिन आर्थिक समीक्षा संसद में पेश की जाएगी। अब फरवरी कभी 28 की होगी और कभी 29 की होगी, तो 28 या 29 को आर्थिक समीक्षा भारत की पेश की जाती है संसद में। और सेम यही पैटर्न राज्य सरकारें अपनाती हैं, राज्य सरकारों में भी पहले दिन आर्थिक समीक्षा पेश होती है उस राज्य की और उसके बाद में अगले दिन बजट वहां पे राज्य का वित्त मंत्री पेश करता है, ठीक है। तो आर्थिक समीक्षा पिछले बजट का हिसाब किताब होती है, ये बात याद रखना। और आर्थिक समीक्षा भी कौन पेश करता है, भारत का वित्त मंत्री, ठीक है। तो ये दोस्तों बेसिक बातें हैं इकोनॉमिक्स की, और बाकी डिटेल से जब इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाया जाएगा तब अपन बात करेंगे। तो देखिए बजट के बारे में संबंधित आपकी बात थी, तो इसका आंसर आएगा 7.4% जीडीपी रहने का यहां पर अनुमान किया गया है। दोस्तों जीडीपी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, देखिएगा बात चल रही है तो मैं आपको बता देता हूं, कई बार सीधा जीडीपी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
ग्रोस को हिंदी में बोलते हैं सकल, डोमेस्टिक को बोलते हैं घरेलू, प्रोडक्ट को बोलते हैं उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर, देश की फिजिकल बाउंड्री के अंदर टोटल वस्तु और सेवाओं का प्रोडक्शन ही क्या कहलाता है? आपका जीडीपी। सकल यानी कुल, घरेलू यानी फिजिकल बाउंड्री के तहत। उत्पाद उत्पाद दो प्रकार के होते हैं, सेवा और वस्तु। तो वस्तु और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य का कुल देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर ही क्या कहलाता है? जीडीपी। जीडीपी से आगे फिर जीएनपी निकलती है, एनडीपी निकलती है और एनएनपी निकलती है। एनएनपी को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो ये सारी बातें यहां पे डिस्कस की जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, बजट 2018-19 में घोषित ऑपरेशन ग्रीन्स, ऑपरेशन ग्रीन्स, ऑपरेशन ग्रीन्स क्या है? सीधा पूछा है इसने कि एक योजना चालू हुई है, एक ऑपरेशन अभियान चलाया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन ग्रीन। ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है आलू टमाटर प्याज के उत्पादन को बढ़ाने हेतु योजना, दूसरा ऑप्शन है सोलर पंप से संबंधित, तीसरा ऑप्शन है रेलवे ग्रीन क्षेत्र से संबंधित, चौथा ऑप्शन है आयात निर्यात से संबंधित योजना। तो देखिए, पहले तो इसका सही आंसर, ऑपरेशन ग्रीन का संबंध है आलू टमाटर प्याज की जो कीमतें बढ़ती रहती हैं। ठीक है, कभी प्याज 80 रुपए किलो चला जाता है, कभी 2 रुपए किलो हो जाता है, तो इससे क्या किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो किसानों को फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। तो जो ये पहली बात तो ऑपरेशन ग्रीन में बात की गई है कि इनका उत्पादन बढ़ाया जाएगा, दूसरा इसके जो कीमतें अस्थिर होती हैं उनकी इनकी कीमतों को स्थिर यहां पे किया जाएगा। ये सारी बातें किसमें? ऑपरेशन ग्रीन्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कुसुम, बहुत ही चर्चित योजना है। ठीक है, तो देखिए कुसुम योजना जो है, पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, हिंदी में पूछी जा सकती है, किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाअभियान। देखिए ऊर्जा से संबंधित ये योजना है। तो क्या बोला है क्वेश्चन में कि कुसुम किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाअभियान के तहत 2022 तक देश में कितने सोलर पंपों का लक्ष्य रखा है? तो सही आंसर इसका है 3 करोड़। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को ऐसे भी बनाया जा सकता है कि कुसुम योजना का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो आंसर क्या आएगा? किसान क्षेत्र से या कृषि क्षेत्र से। ठीक है, इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है कि कुसुम योजना के तहत किस प्रकार के संयंत्रों का निर्माण या किस प्रकार के संयंत्रों को स्थापित किया जा रहा है? तो सोलर पंप, ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अब इसने पूछा है टारगेट के हिसाब से, तो 2022 तक टारगेट रखा है कि 3 करोड़ सोलर पंप जो है वो किसानों के खेत में लगा दिए जाएंगे। सोलर पंप का मतलब सीधा सा है कि सोलर एनर्जी से सिंचाई का कार्य होगा। ठीक है, प्लेट लगी होंगी, सनरेज वहां पे प्लेट्स के ऊपर गिरेगी और नीचे मोटर लगी होगी, मोटर और प्लेट के बीच में कन्वर्टर होगा जिससे आपको इलेक्ट्रिसिटी तथा अन्य जनरेटर वगैरह की आवश्यकता नहीं होगी, डीजल पंप सेटों की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो बहुत ही ये इनोवेटिव योजना है, तो इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं बजट में, अगला क्वेश्चन है बजट में 2018-19 के लिए बजट घाटे का अनुमान जीडीपी के कितने प्रतिशत व्यक्त किया गया है? देखिए इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। बजट घाटा, ओके, इसे राजकोषीय घाटा भी कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो फिजिकल डिप्रिशिएट। ठीक है, अच्छा इसके आंसर की बात करें तो यह अनुमानित किया गया है 3.3% जीडीपी का, यानी जितनी जीडीपी है उसका 3.3% बजट घाटा का अनुमान यहां पे किया गया है। ठीक है, देखिए घाटा सीधी सी बात है, घाटे को यहां पर अगर मैं डिफाइन करूं तो देखिए क्या होता है, व्यय ज्यादा हो जाए
ठीक है, व्यय ज्यादा हो जाए और इनकम यानी प्राप्ति आपके पास कम हो, तो अगर इस प्रकार से अगर आप घटाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, घाटा। ठीक है, यानी व्यय में राजस्व व्यय भी शामिल होता है, प्राप्ति में राजस्व प्राप्ति भी शामिल होता है, व्यय में पूंजीगत व्यय भी शामिल होता है, प्राप्ति में पूंजीगत प्राप्ति भी शामिल होती है। इनको सभी को जोड़ के बजट घाटा निकलता है, जो कि अनुमानित किया गया है 3.3% GDP का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई एग्जामों में ये पूछा जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में वित्त मंत्री कब बजट पेश करता है? आई थिंक इसका आंसर आपको मिल चुका होगा जब मैंने बजट एक्सप्रेशन किया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो 1 फरवरी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार 17-18 में भारत की GDP 6.5% रही। GDP की गणना निम्न में से कौन करता है? देखिए, GDP, NDP, GNP, NNP, ये सारी की सारी राष्ट्रीय आय के रूप हैं, नेशनल इनकम। इनमें सबसे शुद्ध फॉर्म है NNP। ठीक है, और शुरुआत होती है GDP से, GDP से NDP निकलती है, NDP से GNP निकलती है, GNP से NNP निकलती है। ठीक है, NNP जो कि राष्ट्रीय आय का शुद्धम रूप है, इसमें ही पॉपुलेशन का भाग देने पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय निकलती है। ठीक है, उसकी भी बात अपन करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन में सीधा सा पूछा गया है कि इनकी गणना भारत में कौन करता है। तो ऑप्शन में देखिए, CSO है क्या? CSO बोले तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टेटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, तो यह भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है, इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, 1 जून जो है भारतीय सांख्यिकी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि CSO की स्थापना करने में बहुत ही बड़ा हाथ जो था वो प्रकाश चंद्र महालनोबिस, प्रकाश चंद्र महालनोबिस, जैसे PC महालनोबिस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भारत के उस समय सबसे बड़े सांख्यिकी विद थे। ठीक है, इनको सांख्यिकी का फादर भी कहते हैं, इंडियन स्टैटिक्स फादर, ओके, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स भी कहते हैं PC महालनोबिस को। तो उनका जन्मदिवस आता है 1 जून को, और उसी के उपलक्ष में भारतीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, प्रति व्यक्ति आय, अभी जस्ट अपन ने बात की थी, NNP में टोटल पॉपुलेशन का भाग देंगे तो पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाएगी। अगर उसको प्रतिशत में बदलना है तो गुना 100 कर सकते हैं आप। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय 2017-18 आर्थिक समीक्षा के अनुसार क्या रही? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, वो राइट आंसर है, 86,660 रुपीज, ये होती है वार्षिक। याद रखना, प्रति व्यक्ति आय हमेशा वार्षिक होती है। ठीक है, यानी सभी लोगों में एवरेज इतने रुपए बढ़ते हैं भारत की राष्ट्रीय आय के तहत, किस प्रकार से, वार्षिक रूप से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उदय योजना की बात है, बहुत ही अच्छी योजना है, जिसका पूरा नाम है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। इसमें पूछा है कि उदय योजना में डी से तात्पर्य है, तो डी से तात्पर्य है डिस्कॉम। ठीक है, तो सही आंसर इज द ए। ठीक है, अब देखिए यहां पे इस योजना के बारे में थोड़ा सा और आपको डिटेल से बता दूं। राज्य में जितने भी बिजली वितरण कंपनियां हैं, ठीक है ना, जो डिस्कॉम बोलते हैं, बिजली वितरण कंपनियों को डिस्कॉम बोलते हैं, तो वो लगभग लगभग घाटे में चल रही हैं। मतलब उनके घाटों को उभारने के लिए ये योजना केंद्र सरकार ने चलाई है। तो उसमें केंद्र सरकार उन राज्यों का बिजली वितरण कंपनियों का घाटा आधा अपने हिसाब से कैप्चर करता है और आधा राज्यों को वहां पे वहन करना पड़ता है, तो राज्यों को एक वित्त पोषण है। ठीक है, और जैसे ऐसे पूछ ले कि उदय योजना का संबंध किस क्षेत्र से है, तो विद्युत
क्षेत्र से। ओके चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सौभाग्य योजना का लक्ष्य हाल ही में केंद्र सरकार ने 2019 से बदलकर रखा है, ठीक है। तो देखिए सौभाग्य योजना भी बड़ी चर्चा में है। जनवरी 2019 में भी ये चर्चा में थी, एक तारीख को भी ये चर्चा में थी, ठीक है। सौभाग्य जो योजना है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, सहज बिजली हर घर योजना, बिजली हर घर योजना। कई बार इस योजना के नाम के आगे प्रधानमंत्री भी लगा होता है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना को ही कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं, सौभाग्य योजना। इसके तहत 2019 दिसंबर 2019 तक पूरे भारत में सभी परिवारों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवा दिया जाएगा, जो कि निशुल्क होगा, ठीक है। अब इसका जो टारगेट है वो बदल दिया है, एक साल पहले 31 दिसंबर 2018 तक इस टारगेट को सेट किया गया था, और 31 दिसंबर 2018 जब अभी दिसंबर महीना जब गया तब इसकी समीक्षा आई, तो राजस्थान और 2-3 राज्य और थे उनको छोड़कर बाकी पूरे भारत में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य पूरा किया जा चुका है, ठीक है। तो बाकी अब एक साल का टाइम और है देखा जाए तो इस योजना के तहत सभी घरों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 1 जुलाई 2017 से लागू जीएसटी में करों की दरें निर्धारित की है। बात किसकी हो रही है गाइस, जीएसटी की। जीएसटी के ऊपर स्पेशल लेक्चर भी बनेगा क्योंकि काफी चर्चा में है ये, ठीक है। यहां से अगर मैं 15 से 20 क्वेश्चन बनाऊं तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीएसटी पे कंफर्म एक क्वेश्चन आएगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम देना, ठीक है। तो देखिए जीएसटी की फुल फॉर्म पहले तो अपन बात कर लेते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, या अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जीएसटी। टैक्सेशन सिस्टम दो प्रकार से होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जीएसटी का संबंध किससे है, प्रत्यक्ष कर संरचना से है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, क्वेश्चन में बताया है यह कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 से। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हाल ही में चर्चित या विवादित जीएसटी भारत में, या अप्रत्यक्ष कर प्रणाली सुधार जीएसटी भारत में कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें क्या है, वस्तु और सेवाओं को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर 0% टैक्स लगता है, कुछ वस्तु और सेवाओं पर 5% टैक्स लगता है, कुछ वस्तु और सेवाओं पर 12% टैक्स लगता है, कुछ वस्तु और सेवाओं पर 18% टैक्स लगता है, कुछ वस्तु और सेवाओं पर 28% टैक्स लगता है। तो देखिए करों की दरें कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो आपका सही आंसर क्या आएगा, 5, ठीक है। तो 5 प्रकार की टैक्स स्लैब हैं, ठीक है। अब हाल ही में दिसंबर में चर्चा में रहा कि इसकी दरें अब 3 ही होंगी मॉडिफाई, यानी भविष्य में अब इसकी दरें कितनी होंगी, 3, 5 की जगह कितनी होंगी, 3, ठीक है। तो यह बात भी याद रखनी है। और दूसरी बात, 28% में विलासिता की वस्तुएं हैं, 0% और 5% में आवश्यक वस्तुएं हैं। देखिए कई लोग इस चीज को ऐसे बोलते हैं कि 0% तो जब टैक्स लग ही नहीं रहा तो ये दर थोड़ी ना है, बिल्कुल दर है। हो सकता है कि आज कोई वस्तु और सेवा पर टैक्स नहीं लग रहा, इस स्लैब में है वो, लेकिन उसको चेंज करके कल को उस पर अगर टैक्स लग रहा है, तो अगर वो इस स्लैब में होती ही नहीं तो वो 5% उस पर कैसे लगता, ठीक है। तो काफी बुकें ऐसी हैं जिनमें बिल्कुल 4 प्रकार की दरें हैं, बिल्कुल वो गलत है, ठीक है। दरें कितनी है, 5 प्रकार की। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी को हाल ही में, फिर जीएसटी पे क्वेश्चन है, जीएसटी को हाल ही में किस एशियाई देश ने समाप्त किया है, चल रहा था उसको हटा दिया है, व्यवस्था संभली नहीं। भारत में भी कुछ कुछ ऐसी स्थिति चल रही है, क्योंकि जब से जीएसटी लगाया है उसके बाद में अप्रत्यक्ष कर संग्रहण जो है, कलेक्शन है, वो डाउन हुआ है, बढ़ा नहीं है, जबकि बढ़ना चाहिए था। तो इसमें आएगा मलेशिया, मलेशिया ने जीएसटी को हटा दिया है, ठीक है। जीएसटी के मुद्दे पर मलेशिया में सरकार भी बदल गई। मलेशिया में हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि विश्व के सबसे बूढ़े प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम है महातीर, ठीक है ना। तो यह बात भी आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
फसल उत्पादन 2016-17 के आंकड़े के अनुसार कुल दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर राज्य रहा, तो उसमें ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब। तो देखिए कुल दाल उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे है एमपी, ठीक है, दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे है आपका राजस्थान। तो देखिए ऑप्शन में सीक्वेंस दे रखा है कि कैंडिडेट कंफ्यूज हो, तो इसमें सही आंसर आएगा एमपी। ठीक है, तो दालों के कुल उत्पादन में फर्स्ट स्थान पे कौन रहा? एमपी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतमाला परियोजना का जिक्र है। भारतमाला परियोजना राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा माल और यात्री आवागमन को सुदृढ़ बना रही है। इसके तहत पहले चरण में कुल परिव्यय किया जाएगा। पहली बात तो भारतमाला परियोजना क्या है, देखिए क्वेश्चन में बता दिया, सीधा पूछ सकता है कि भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है, ठीक है, और इसमें डाटा पूछा है, तो इसमें ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, जिसमें है 5,35,000 करोड़ रुपए, ये आपका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सागरमाला कार्यक्रम का संबंध है, तो सागरमाला कार्यक्रम जो है बंदरगाहों के विकास से संबंधित है। भारत में जो ये कोस्टल लाइन है, तटीय रेखा है या तटीय सीमा रेखा है, यहाँ पर जो बंदरगाह हैं उनको सुचारू रूप से विकसित करना और उनको जहाँ से माल उत्पादन होता है वहाँ से सड़कों से या विभिन्न मार्गों से जोड़ना है, ठीक है, तो इनको उन्नत बनाना है बंदरगाहों को। तो बंदरगाह उन्नत होंगे, अपना समुद्री व्यापार बढ़ेगा और देश आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ेगा। हाल ही में अंतरदेशीय राष्ट्रीय जल मार्ग वन, नेशनल वाटर हाईवे एक की बात की जा रही है, चर्चा में रहा, यह गंगा नदी पर कहां से कहां तक बनाया गया है? पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि NH1 भारत में किस नदी पर बनाया गया है। तो देखिए मैंने पहले वीडियो में लगातार मैं एक बात दोहरा रहा हूं कि क्वेश्चन ऐसे बड़ी ईमानदारी से बनाए गए हैं कि क्वेश्चन के अंदर भी एक क्वेश्चन और बन सकता है, ठीक है। तो ये जो जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हो ये कोई भी एग्जाम के लिए आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरदेशीय राष्ट्रीय जलमार्ग एक चर्चा में रहा, यह गंगा नदी पर कहां से कहां तक बनाया गया है? ऑप्शन ए में है कोलकाता से पटना, ऑप्शन बी में है वाराणसी से हल्दिया। यूपी में शहर है वाराणसी, पुराना नाम इसका बनारस, से हल्दिया, हल्दिया पश्चिमी बंगाल। अगर इसको राज्य के हिसाब से पूछे तो यूपी से पश्चिमी बंगाल। गंगा नदी यूपी से पश्चिम बंगाल की ओर तो बहती है, उत्तराखंड, यूपी, यूपी के बाद में बिहार, बिहार के बाद में बंगाल। ओके, देखिए अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऑप्शन के ऊपर फिर जाना चाहूंगा। उसमें जो आपका थर्ड ऑप्शन था धुबरी से हाथसिंगा मारी, ठीक है, तो ये जो धुबरी से हासिंग मारी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर नेशनल वाटर हाईवे 2 है, तो ऑप्शन से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, NWH2 कहां से कहां तक है, ठीक है, तो उसके लिए आपका यह आंसर सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन का प्रसार पूरे भारत के जिलों में किस स्थान से प्रधानमंत्री ने हाल ही में किया है? ओके, तो देखिए चार ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर आएगा झुंझुनू, राजस्थान। राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है झुंझुनू, वहां से प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पोषण मिशन की घोषणा की थी तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का पूरे भारत में विस्तार किया था। पहले यह योजना या यह कार्यक्रम उन्हीं जिलों में चल रहा था जहां पर लिंगानुपात कम था, अब चाहे ज्यादा हो या कम हो सब जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू कर दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो विस्तार है वो मीटिंग हुई थी 8 मार्च को, 8 मार्च 2018। और दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है।
तो ये एक्स्ट्रा जानकारी आपके लिए, इसी दिन झुंझुनू में कार्यक्रम हुआ था, वहां से इसके प्रसार की घोषणा की गई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व ग्रीन मेट्रो के रूप में किसे घोषित किया गया है, यानी विश्व में ग्रीन मेट्रो, ठीक है, तो इसमें आएगा दिल्ली मेट्रो को ग्रीन मेट्रो घोषित किया गया है। ग्रीन मेट्रो का कंसेप्ट यह है कि जब मेट्रो चलती है तो उसके चलने से ही नीचे इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक सिस्टम डेवलप किया है मोटर के थ्रू, जिससे जब स्पीड से वो चलती है उसी समय बिजली बन जाएगी और उस बिजली से बाकी के कार्य यहां पर होंगे, उस स्टेशन के कार्य यहां पर होंगे। दूसरा, पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा, सोलर सेट भी वहां पे लगे हैं। कहने का मतलब लगभग जो उस स्टेशन पे जो बिजली खर्च होगी वो उसी स्टेशन द्वारा बनाई गई बिजली होगी, इसलिए इसको बोला है ग्रीन मेट्रो स्टेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 123वां संविधान संशोधन विधेयक का संबंध है, देखिए 122वां संविधान संशोधन विधेयक शायद आपको दोस्तों याद होगा, जीएसटी से संबंधित है, और उसके जस्ट बाद में 123वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया जिसका संबंध ओबीसी से है, ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट आयोग से, ठीक है ना। तो संवैधानिक मान्यता दिलाने हेतु यह विधेयक लाया गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फिक्की। फिक्की की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो फिक्की जो है ये भारत में सबसे पुराना व्यापार संघ है, अंग्रेजों के समय का है ये, ठीक है। तो फिक्की का हाल ही में महासचिव किसे बनाया गया है, तो सही आंसर आएगा दोस्तों संजय बारू। तो गाइस सही आंसर क्या है, संजय बारू। और संजय बारू अभी बहुत चर्चा में है, क्यों, क्योंकि इन्हीं के द्वारा लिखित एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर आधारित पुस्तक थी, उसी के ऊपर अभी फिल्म भी बन रही है जिसमें अनुपम खेर मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है। तो संजय बारू चर्चा में है, ठीक है, काफी राज्यों में विवाद भी हो रहा है। तो देखिए जो चीज यहां पे चर्चा में ही वही हो सकता है कि आगे जाके भी चर्चा में रहे, तो क्वेश्चन को अपने को ध्यान से देखना है। तो देखिए वापस अपना रिविजन हो गया कि संजय बारू किस पुस्तक के लेखक हैं, या संजय बारू की किस पुस्तक पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की जीवनी पर हिंदी पिक्चर फिल्म बन रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार ने कहां पर 1000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र खोलने की घोषणा की है, तो नन अदर देन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत चर्चा में रहते हैं, योगी आदित्यनाथ, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन है, कौन सी बॉलीवुड अभिनेत्री इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, मेलबर्न कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ऑस्ट्रेलिया में ये फिल्म फेस्टिवल मनाया गया, उसमें भारतीय ध्वज फहराने वाली यह पहली महिला अभिनेत्री बनी है। तो इसमें सही आंसर आएगा ऐश्वर्या राय बच्चन। तो ऐश्वर्या राय बच्चन, ऑस्ट्रेलिया में ये फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया, वहां पर भारतीय ध्वज फहराने वाली यह पहली महिला बनी है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस ऑनलाइन कंप्यूटर मोबाइल गेम पर प्रतिबंध की घोषणा की है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है पबजी, जो कि आजकल के यूथ काफी खेलती है इस गेम को, काउंटर स्ट्राइक, सी में है ब्लू व्हेल, डी में है उपरोक्त सभी। तो देखिए इसमें ब्लू व्हेल, रूस से ये गेम चला था, तो ब्लू व्हेल गेम को प्रतिबंधित करने की बात कही गई, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें जो टास्क दिया जाता है वो इतना डेंजर होता है कि लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं, कुछ ऐसे केस भी हुए थे जिसके कारण इस गेम को प्रतिबंधित कर दिया गया। ये गेम देखिए इतना डरावना है, डरावना मतलब इसमें इतना आदमी खो जाता है कि यही नहीं पता होता कि उसको टास्क, उसका टास्क उसकी जीवन लीला भी समाप्त कर सकता है। तो गाइज ऐसी चीजों से आप थोड़ा दूर रहिएगा। नेक्स्ट, किस प्रदेश सरकार द्वारा नमामि गंगे जागृति यात्रा नामक अभियान शुरू किया गया था, नमामि गंगे जागृति अभियान उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया था, तो बी इज द राइट आंसर। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अंडमान निकोबार, किसके बात हो रही है दोस्तों, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार संघ शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है, तो इसमें ऑप्शन है एडमिरल डी के जोशी, बी है एडमिरल सुनील लांबा, सी है एडमिरल पार्वती जागेश, डी है
एडमिरल एम के सिंह। तो देखिए इसमें सही आंसर आएगा एडमिरल डी के जोशी। सेकंड ऑप्शन वैसे नहीं आ सकता क्योंकि एडमिरल सुनील लांबा एट प्रेजेंट में नौसेना के वर्तमान में एडमिरल हैं, ठीक है ना, अध्यक्ष हैं। तो जो वर्तमान में अध्यक्ष होता है उसको नहीं बनाते, तो एडमिरल डी के जोशी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ठीक है ना, तो उनको बनाया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य में कछुआ शरणा स्थली स्थापित की जा रही है? तो देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखिए ऑप्शन देखिएगा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, बी ऑप्शन है उड़ीसा कटक, सी ऑप्शन है कर्नाटक बेंगलुरु, डी ऑप्शन है राजस्थान जयपुर, ठीक है। तो कैंडिडेट यहां पर उड़ीसा कर्नाटक की ओर जाएगा क्योंकि तटीय क्षेत्र है वो, जबकि इसका सही आंसर आएगा कछुआ शरणास्थली जो बनाई गई है वो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में बनाई जा रही है। चलिए आगे बात करते हैं, चर्चित नाग मिसाइल का परीक्षण हाल ही में पोकरण रेंज राजस्थान में किया गया, यह प्रक्षेपास्त्र किस प्रकार का है? देखिए यहां से काफी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली बात तो नाग मिसाइल जो है, मिसाइल को हिंदी में दोस्तों प्रक्षेपास्त्र कहते हैं, तो नाग मिसाइल है यह एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है, या टैंक रोधी यानी टैंकों को ध्वस्त करने वाली मिसाइल है। इसका निर्माण कौन करता है? डीआरडीओ करता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि हाल ही में डीआरडीओ द्वारा बनाई गई नाग मिसाइल का परीक्षण किस जगह पे किया गया है या किस जगह से किया गया है, ठीक है। तो सही आंसर क्या आएगा? पोखरण रेंज जैसलमेर राजस्थान। एक बात और बता दूं आपको, जितनी भी आपकी शॉर्ट रेंज मिसाइलें होती हैं उनका परीक्षण लगभग जैसलमेर पोखरण रेंज से किया जाता है, और जो लॉन्ग रेंज मिसाइल होती हैं उनका लगभग परीक्षण उड़ीसा के बालासोर तट पर अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे वेलर द्वीप भी कहा जाता था, वहां से बड़ी दूरी या लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। छोटी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण जैसलमेर पोखरण रेंज से किया जाता है। तो यह तो एक क्वेश्चन की बात है। अच्छा, अब पूछा है कि यह मिसाइल किस प्रकार की है? तो दोस्तों यह मिसाइल सतह भी है और वायु से सतह भी है, दो संस्करण है इसके, ठीक है। सतह से सतह जो है वो थल सेना काम में लेती है, और वायु से सतह जो है वो वायु सेना काम में लेती है। कैसे? अब देखिए इसमें सही आंसर क्या होगा, इसमें देखिए सतह से सतह भी पहला ऑप्शन दे रखा है, और तीसरा ऑप्शन देखिए ध्यान से, वायु से सतह भी दे रखा है, ठीक है। अब अपने को कौन सा करना है? तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं दोबारा पढ़ूंगा, चर्चित नाग मिसाइल का परीक्षण हाल ही में पोखरण रेंज राजस्थान में किया गया, यह प्रक्षेपास्त्र किस प्रकार का है? यानी यह उस मिसाइल की बात कर रहा है जिसका परीक्षण हाल ही में किया गया है, और वो कहां किया गया है? पोखरण रेंज। तो पोखरण रेंज से थल सेना की सतह से सतह वाला परीक्षण किया गया है। वायु सेना से सतह, देखिए इसका दूसरा नाम है हेलिना। नाग मिसाइल जो कि वायुसेना में है उसका नाम है हेलिना। यह ध्रुव हेलीकॉप्टर पर लगी है, ध्रुव हेलीकॉप्टर पर लगी है, ठीक है, और ऊपर से बम गिराती है, या ऊपर से मिसाइल प्रक्षेपण होता है नीचे टैंकों पर, ठीक है। तो हेलिना संस्करण पूछे तो आपको करना है वायुसेना, और नॉर्मल एंटी टैंक नाक पूछे तो आपको करना है थल सेना, तो याद रहेगा ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं, ऑप्शन है रमेश सीपी, ऑप्शन बी है अनुपम खेर, ऑप्शन सी है बिंदेश्वर पाठक, ऑप्शन डी है अमिताभ बच्चन। तो इसमें सही आंसर आएगा बी, अनुपम खेर अभी हाल ही में बने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में पहली हिंदू दलित महिला, जिनका नाम भी दे रखा है ब्रैकेट में कृष्णा कुमारी कोहले, ठीक है, को सीनेटर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, बी है श्रीलंका, सी है पाकिस्तान, डी है भूटान। तो पहले तो सही आंसर की बात कर लेते हैं, सही आंसर होगा पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान में स्पेशल बात है कि पहली बार किसी हिंदू महिला को सीनेटर, और हिंदू महिला भी कौन सी? दलित। तो बहुत अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, पाकिस्तान अच्छा कार्य कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीति आयोग ने सरकार के लिए कितने मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा को 2019-20 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों सही आंसर आएगा 1,00,000 मेगावाट। गीगावाट में अगर बात करें तो 100 गीगावाट। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन है।
हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को पहली बार ऑस्ट्रेलिया में पर्यटन की महिला ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? यानी ऑस्ट्रेलिया की महिला ब्रांड एम्बेसडर पर्यटन विभाग की, भारत में किसी राज्य की नहीं, भारत की नहीं, सीधा कहाँ जा रहा है मामला? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और दूसरी बात, महिला कहाँ की, अभिनेत्री कहाँ की, भारत की। तो ऑप्शन में देखिए, परिणीति चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण और इनमें से कोई नहीं। तो ए इज द राइट आंसर, परिणीति चोपड़ा को हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया के पर्यटन मंत्रालय का, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे, आई होप आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही रहे होंगे, ठीक है, और अच्छी से अच्छी जानकारी आपको देखने को मिली। तो दोस्तों आज जो अपन ने मार्च महीने के टॉप 30 क्वेश्चनों का जिक्र किया है अपन ने, तो आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिला है। और आपको अगर मैटर और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके जो भी और एक्स्ट्रा आपको जानकारी चाहिए बिल्कुल हमारे साथ आप जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।